हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि लूज वजाइना को टाइट कैसे किया जा सकता है। तो गाइस, पहले तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि वजाइना लूज क्यों होती है। तो गाइस, वजाइना लूज होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जैसे बच्चा जब होता है नॉर्मल डिलीवरी होती है ओके, उस समय पर वजाइना लूज हो जाता है, एंड सेक्स से भी वजाइना लूज हो जाता है। इन दो वजह से वजाइना लूज हो जाता है कि ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। यस गाइस, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वजाइना लूज हो जाता है, बट वापस अपनी शेप में ये 6 से 7 महीने में अपनी शेप में आ जाता है ओके। अपने आप ही ये प्रोसेस होते हैं कि वजाइना जो है अपने आप ही अपनी शेप में आ जाता है, जैसे पहले की तरह हो जाता है। एंड सेक्स से भी वजाइना लूज होता है। सेक्स के दौरान जब लुब्रिकेट होता है तो वजाइना खुल जाता है, उसकी वजह से आपको लगता हो कि हमारा वजाइना जो है लूज हो गया है, ढीला हो गया है, बट ऐसा नहीं है। सेक्स के दौरान लुब्रिकेट की वजह से वजाइना लूज हो जाता है, वापस वो थोड़ा टाइम बाद में अपनी शेप में आ जाता है ओके। वजाइना ज्यादा लूज कब हो जाता है? जब आप सेक्सुअल ज्यादा एक्टिव रहते हो ओके। नॉर्मल कुछ नहीं होता, अपनी शेप में आ जाता है, बट किसी किसी का अगर वो ज्यादा सेक्सुअल एक्टिव रहता है, डिलीवरी की वजह से भी वजाइना लूज हो जाता है। वैसे ही अपनी शेप में आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी किसी के अपने शेप में वापस नहीं आते हैं तो उसको कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए अब वजाइना को वापस अपनी शेप में लेके आने के लिए। मार्केट में काफी सारे ट्रीटमेंट भी है एंड सर्जरी भी होती है, काफी सारे जेल क्रीम वगैरह भी है, वो भी शायद आपने यूज किए होंगे। लेकिन कुछ होम रेमेडी से भी आप लूज वजाइना को टाइट कर सकते हो। लेकिन गाइस, जो होम रेमेडी आपको सूट करे वही होम रेमेडी को यूज करना, जो सूट ना करे उसे यूज मत करना। हम सभी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये लगा के देखा, यस इससे सही हो रहा है, इससे खराब हो रहा है कुछ लगाने से ओके। तो वही आपको भी चेक करना है कि यस, अगर आपको ये सूट कर रही है कोई भी रेमेडी तो आप यूज कीजिए, अगर रेमेडी सूट नहीं करती तो नो, आपको यूज नहीं करना है ओके। तो मैं काफी सारी आपको होम रेमेडी बताने वाली हूँ, उसमें से जो भी आपको सूट करती है, कंफर्ट लगे करने में, वो आपको यूज कर सकते हो ओके। गाइज, कितना टाइम यूज करनी है? गाइज, ये वैसे तो आपको कुछ हफ्तों में एक्सरसाइज की भी वीडियो में बना चुकी हूँ, वो भी देखिए कि दोनों को साथ में करना है तभी आपको फर्क लगेगा ओके। एक वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुकी, वो भी आपको देखनी है। वो एक्सरसाइज योगा जो है आपके लूज वजाइना को टाइट करने में बहुत मददगार है। तो गाइज, दोनों वीडियो को फॉलो करना, तभी क्या है आप अपने लूज वजाइना को टाइट कर सकते हो। और आई होप आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी, तो हाँ हमें भी अच्छा लगेगा। तो गाइज, मैं होम रेमेडी बताने वाली हूँ कि लूज वजाइना को टाइट कैसे किया जा सकता है। पहले तो सबसे अच्छा होता है एलोवेरा जेल ओके। फ्रेश एलोवेरा जेल, जैसे लीफ होती है एलोवेरा की, वो लेनी है। एंड उसमें से येलो कलर का लिक्विड होता है, वो निकाल लेना है। मैंने काफी सारे वीडियो बताया कैसे निकालते हैं। उस पहले तो आप उसकी परत को अच्छे से धोइए, सीधा रखिए, उसको नीचे से कटिंग करना है, सीधा रखिए, एंड उसमें जो भी येलो कलर का लिक्विड होता है वो निकल जाएगा अपने आप ही ओके। पूरी एक रात भर रख दीजिए, ठीक है, निकल जाएगा। उसको अच्छे से धोइए, उसमें जेल निकालिए, एंड वो जेल आपको अपने वेजाइना में लगाना है ओके। वेजाइना के आसपास आपको लगाना है। एंड अगर आप ये लगाते हो, जब भी आपको टाइम मिल जाए आप ये लगा लीजिए ओके। आपके वजाइना का पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है और आपकी वजाइना की त्वचा अंदर से सूखेगी नहीं। से अगर आप ये करते हो तो आपका लूज वजाइना टाइट हो सकता है, यानी आपका योनि जो ढीली हो चुकी थी वो दोबारा टाइट हो सकती है, अपनी दोबारा जैसे पहले थे आप उसी शेप में आ सकती है। तो आपको ये लगाना होगा। तो ये आप देख सकते हो, आप 1 से 1.5 महीने यूज कीजिए, 2 महीने यूज कीजिए, जैसे आपको लगे कि हाँ आप ठीक है तो जब छोड़ सकते हैं ओके। तो 1 से 1.5 महीने में आपको फर्क नजर आने लगेगा, अगर आप वही एक्सरसाइज एंड ये सब फॉलो करते हो तो। तो गाइस, पान का पत्ता ही बहुत कमाल करता है लूज वजाइना को टाइट करने के लिए। आपको क्या करना है, 2 से 3 पान के पत्ते लीजिए, 2-3 ग्लास में उस पान के पत्ते को उबाल लीजिए ओके। उबाल लीजिए, उसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए। एंड जब भी आप टॉयलेट पास करने जाते हो, अपने वजाइना को वॉश तो करते हो ना, तो उस पानी से आप वॉश कर लीजिए। तो ऐसे भी आपका लूज वजाइना जो है टाइट हो सकता है। फिटकरी भी आपके लूज वजाइना को टाइट कर सकता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। फिटकरी का पाउडर कर लीजिए, 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर लेके 2 से 3 ग्लास पानी में उस फिटकरी को उबालिए। एंड फिर उसके बाद में उस पानी से आपको अपना वजाइना एरिया जो है वॉश करना है ओके। मैंने बता ही दिया, जैसे टॉयलेट पास करना जाते हो उस समय वो पानी रख लीजिए एंड उससे वॉश कीजिए ओके। काफी हेल्पफुल रहता है गाइज, ये भी आपके जो है वजाइना को टाइट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। फिटकरी, आमले की पेड़ की छाल, वैसे तो ये नहीं मिलने वाला, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके घर के पास में हो तो आप ये भी यूज कर सकते हो। आमले की पेड़ की छाल को लेकर 24 घंटे के लिए उसे पानी में 2 से 3 ग्लास पानी भिगो कर रख दीजिए एंड सुबह थोड़ा सा उसे बॉइल कर लीजिए और उसे ठंडा होने पर रख दीजिए ओके। या उस पानी से आपको अपना वेजाइनल एरिया जो है वॉश करना है ओके।
तो इससे भी आपकी जो है लूज वजाइना टाइट हो जाती है। आंवला तो आपको मिल ही जाएगा, आंवला लीजिए काट कर, एक दो आंवले लेना, दो से तीन ग्लास पानी लेना एंड उसमें थोड़ा उबाल लेना ताकि पानी वो आधा रह जाए। ओके, फिर उस पानी से आपको जो है अपना वजाइनल एरिया वॉश करना है। तो ये गाइस ये कुछ टिप्स थी होम रेमेडी थी जिससे लूज वजाइना को टाइट किया जा सकता है। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम छुटकारा मिलेगा। तो गाइस ये वीडियो अगर हेल्पफुल है तो कर देने एक लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से मिलता है मोटिवेशन ढेर सारा कुछ अलग और नया करने का। यार अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, बगल बेल आइकन घंटी आएगी उसे जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।